आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जब बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली होगी। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी और निषाद पार्टी की होगी संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद होंगे शामिल। लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। जनसभा में मछुआ आरक्षण की हो सकती है घोषणा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी और निषाद पार्टी की होगी संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद होंगे शामिल। लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। जनसभा में मछुआ आरक्षण की हो सकती है घोषणा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी और निषाद पार्टी की होगी संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद होंगे शामिल। लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। जनसभा में मछुआ आरक्षण पर भी घोषणा हो सकती है। बीजेपी और निषाद पार्टी जो कि एक साथ हैं और दोनों आज संयुक्त रूप से रैली करेंगे। बीजेपी और निषाद पार्टी, जहां बीजेपी से अमित शाह और सीएम योगी होंगे, तो वहीं निषाद पार्टी से निषाद पार्टी के प्रमुख होंगे। जनसभा में मछुआ आरक्षण की भी घोषणा हो सकती है। जनता के बीच आज बीजेपी और निषाद पार्टी एक साथ होंगे। लखनऊ में ये रैली होगी, बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद शामिल होंगे। लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी ये रैली। उत्तराखंड के सांसदों के साथ पीएम करेंगे बैठक। प्रधानमंत्री मोदी आज सांसदों के साथ बैठक करेंगे। यूपी उत्तराखंड के 45 सांसदों के साथ होगी बैठक। यूपी के 40 और उत्तराखंड के 5 सांसद होंगे मौजूद। यूपी उत्तराखंड के सांसदों के साथ पीएम बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज सांसदों के साथ करेंगे बैठक। आज 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। बड़ी खबर सामने आ रही है, विधानसभा में आज पास होगा अनुपूरक बजट। सीएम योगी विधान परिषद में दे सकते हैं भाषण। आज 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा में आज पास होगा अनुपूरक बजट। सीएम योगी विधान परिषद में दे सकते हैं भाषण। आज 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा में आज पास होगा अनुपूरक बजट। सीएम योगी विधान परिषद में दे सकते हैं भाषण। आज 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। विधानसभा में आज पास होगा अनुपूरक बजट। आपको बता दें, शीतकालीन सत्र का यह तीसरा दिन है, जहां सीएम योगी विधान परिषद में भाषण दे सकते हैं और 11 बजे शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। बीते दो दिन भी विधानसभा की शीतकालीन सत्र की कार्यवाही देखने को मिली, जिसमें विपक्ष ने जमकर हंगामा काटा। अजय मिश्रा ट्रेन की बर्खास्तगी की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते रहे। वहीं आज तीसरे दिन की शुरुआत हो रही है विधानसभा के शीतकालीन सत्र की, जहां विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पास हो सकता है, जिसमें दो दिन से चर्चा चल रही है। विधानसभा में आज अनुपूरक बजट पेश होगा। सीएम योगी विधान परिषद में दे सकते हैं भाषण। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज अनुपूरक बजट क्या पेश हो पाएगा या फिर आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ेगा? आपको बता दें कि कल का जो दिन था, कल तमाम जो समस्याएं हैं उस पे सदन चलने में काफी दिक्कत हो गई है। देखना होगा कि आज चलता है कि नहीं, बल्कि कल जो बजट पेश हुआ उसमें तमाम चीजें आई हैं, जैसे मजदूर और विधवा विकलांग महिलाओं के लिए विशेष व्यवस्था का आयोजन प्रदान किया गया है। अंतरिम बजट में 4 लेखागुण मांग की गई है। 4 महीने का लेखानुदान सुरेश खन्ना बताए हैं कि हम लेकर आएंगे। अब पुराने बजट का खर्च किया, पूरा बजट खर्च किया गया है जी। 2017 से अब तक योगी सरकार ने सभी क्षेत्रों में काम किया है, जो सतीश महाना कह रहे हैं, और वहीं योगी सरकार ने अपना सारा वादा पूरा किया है। सतीश महाना ये बात को कल सदन में उठा रहे थे जी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता विभांशु जुड़े थे।
अलीगढ़ में जमकर हुई फायरिंग। अलीगढ़ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पानी का पाइप को लेकर चली गोलियां। पथराव और फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस। तमंचा लहराने वाला युवक भाजपा नेता बताया जा रहा। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगा आरोप। इगलास के गांव निधौली का मामला। अलीगढ़ में जमकर हुई फायरिंग, बड़ी खबर सामने आ रही है अलीगढ़ से, पानी के पाइप को लेकर चली गोलियां। पथराव और फायरिंग की सूचना पर पहुंची पुलिस। तमंचा लहराने वाला युवक भाजपा नेता बताया जा रहा। पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का लगा आरोप। इगलास के गांव निधौली का मामला। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता नितेश जुड़ चुके हैं। नितेश, क्या है पूरा मामला, किस वजह से ये फायरिंग हुई? मैं आपको बता दूं कि पूरा मामला इगलास के गांव निधौली का है। जब पानी के पाइप को लेकर जमकर फायरिंग हुई है, बताया जा रहा है दोनों पक्षों में पहले से रंजिश चली आ रही है जी। तो अब इस पे जो फायरिंग हुई है, इस पे अब क्या एक्शन लेगी पुलिस? वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं, लगातार उसमें फायरिंग और लाठी डंडे चलते हुए नजर आ रहे हैं। और स्थानीय नागरिकों का कहना है पुलिस दबाव में है, भाजपा नेताओं के दबाव में है, तो पुलिस ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया है जी। तो बीजेपी नेता बताया जा रहा है जिसने फायरिंग करी है, तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, क्या कोई तहरीर दी गई है? लगातार दबाव बनाया जा रहा है पुलिस के ऊपर जी, और देखना होगा आगे होगी या नहीं होगी कार्रवाई किसी के ऊपर, क्योंकि लगातार प्रधान के ऊपर फायरिंग हुई है जी। और दोनों पक्षों में आपस में बहुत रंजिश चल रही है पुरानी, उसके चलते आगे देखना होगा पुलिस कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे संवाददाता नितेश जुड़े थे। तो फायरिंग की ये घटना सामने आई है जहां पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का भी आरोप लगा है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी और निषाद पार्टी की होगी संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद करेंगे संयुक्त रैली, जनसभा को भी करेंगे संबोधित। जनसभा में मछुआ आरक्षण की हो सकती है घोषणा। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बीजेपी और निषाद पार्टी की होगी संयुक्त रैली। गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी और संजय निषाद होंगे शामिल। लखनऊ के रमाबाई मैदान में होगी जनसभा। जनसभा में मछुआ आरक्षण की हो सकती है घोषणा, बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ में निषाद पार्टी और बीजेपी की संयुक्त रैली होगी। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, बीजेपी की और दोनों जो पार्टियों की रैली हो रही है एक साथ, इससे कितना फायदा मिल सकता है आने वाले चुनाव में? देखिए, मैं आपको बता दूं कि निषाद पार्टी पहले भी बीजेपी के साथ रही है, और उससे पहले भी उसने कहा था लगभग सितंबर से लगातार घोषणा करते चले आ रहे थे कि हम आगामी भविष्य में और बीजेपी के साथ चुनाव लड़ते नजर आएंगे। पर एक औपचारिक ऐलान नहीं हो रहा था, पर अभी आपको बता दूं कि नवंबर में 25 का ऐलान कर दिया गया था कि हम उसके साथ चुनाव लड़ेंगे। उसके बाद ही मैं आपको बता दूं कि जो संजय निषाद जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनको अभी MLC बनाया गया है। उसके बाद लगातार माना जा रहा था कि चुनाव है, और इस समय चुनाव के समय सभी लोग अपने अपनी रैली करके अपना अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाते हैं और तमाम उन मांगों को बताते हैं कि जो मांगे उनकी होनी है। हो सकता है कि उस पर बड़ी घोषणा भी की जा सकती है, जैसे कि आज जो उसकी संयुक्त रैली है उसमें गृह मंत्री अमित शाह भी आएंगे, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। और कहा जा सकता है कि मछुआ जो समुदाय है उसको आरक्षण देने की बात लगातार कई समय चल रही है, उस पर भी बड़ी घोषणा हो सकती है। हालांकि अभी कोई आधिकारिक बात बीजेपी तरफ से नहीं आई है, पर मानो जैसा की स्वच्छ रैली है, विशाल रैली है, जो की राजधानी लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर जो मैदान है वहां पर की जाएगी। उस रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं ये सूत्रों को संदेश भी दिया जाएगा कि आगामी चुनाव में निषाद पार्टी के जो लोग हैं, निषाद पार्टी समुदाय है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और उसका लाभ भारतीय बीजेपी को चुनाव में मिलने वाला है। गौरव, जिस तरह से निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और निषाद पार्टी निषाद समुदाय के लोग साथ ही बीजेपी के समर्थक जुटेंगे इस जनसभा में, तो कम से कम कितने लोगों की भीड़ देखने को मिल सकती है?
देख फिलहाल अभी जो जानकारी के हिसाब से उन्होंने कहा था कि लगभग लगभग 1 लाख लोगों की भीड़ वहां पर होनी है, पर क्योंकि रैली का कुछ कहा नहीं जा सकता है, कितने लोग आते हैं कितने लोग नहीं आते, ठंड का मौसम भी है, दूसरी तमाम व्यवस्थाएं भी ऐसी होती है जिनके कारण रैलियां प्रभावित भी होती है। फिलहाल 1 लाख लोगों की आने की बात यहाँ पर कही गई है कि 1 लाख लोग लगभग इसमें रैली में जुटेंगे, कि बड़ी रैली है और जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री खुद शामिल होने आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से बड़ी रैली हो और इसमें बड़े लोगों की जुटने की संभावना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता गौरव जुड़े थे। रायबरेली दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, बड़ी खबर सामने आ रही है। 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे अखिलेश। रायबरेली की 6 विधानसभाओं का दौरा करेंगे अखिलेश, हर विधानसभा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रायबरेली दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे अखिलेश। रायबरेली की 6 विधानसभाओं का दौरा करेंगे अखिलेश, हर विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। रायबरेली दौरे पर जाएंगे अखिलेश यादव, 2 दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे अखिलेश। रायबरेली की 6 विधानसभाओं को संबोधित भी करेंगे अखिलेश, सत्ता पर निशाना साधते हुए भी नजर आ सकते हैं अखिलेश। रायबरेली के दौरे पर रहेंगे अखिलेश यादव, 2 दिवसीय दौरे पर अखिलेश रहेंगे रायबरेली में। योगी सरकार ने विधान परिषद में दी जानकारी, कोरोना की दूसरी लहर से जुड़ी जानकारी दी। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत, योगी सरकार ने विधान परिषद में दी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर से जुड़ी जानकारी दी, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत। योगी सरकार ने विधान परिषद में दी जानकारी, कोरोना की दूसरी लहर से जुड़ी जानकारी दी, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत। योगी सरकार ने विधान परिषद में दी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। कोरोना की दूसरी लहर को लेकर दी ये बड़ी जानकारी, ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत। योगी सरकार ने विधान परिषद में दी जानकारी, कोरोना की दूसरी लहर से जुड़ी ये जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत। योगी सरकार ने विधान परिषद में कोरोना की दूसरी लहर से जुड़ी जानकारी दी है, बड़ी खबर सामने आ रही है। ऑक्सीजन की कमी से नहीं हुई मौत। योगी सरकार ने विधान परिषद में ऑक्सीजन से जुड़ी जानकारी दी है, जहां दूसरी लहर के दौरान कई लोगों की मौतें देखने को मिली थी। ये कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई है, वहीं सरकार ने अब ये जानकारी दी है कि ऑक्सीजन की कमी से दूसरी लहर के दौरान मौतें नहीं हुई। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।